अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारो, दिस इज सानी खान। और बताओ क्या हो रहा है आजकल? अब कोई नई ताजी दो कमेंट शमेंट में? हाँ जी, तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हैरत अंगेज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले क्यूरी ऑफ द डे, व्हाट मेक अस मोर हैप्पियर, स्पेंडिंग मनी ऑन पोजेशंस और स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सपीरियंसेस। हमें किस चीज पर पैसे खर्च करने से ज्यादा खुशी मिलती है? पोजेशंस पर, जो कि हमारी जरूरत होती है या जो चीजें हम खरीदना चाहते हैं, जैसे कि लैपटॉप, आईपैड, आईफोन वगैरह, या फिर एक्सपीरियंसेस पर खर्च करने से, जैसे ट्रिप्स वगैरह पे जाना या अम्यूजमेंट राइड्स वगैरह। जवाब के लिए मिलती हूँ मैं आपको वीडियो के एंड पर। नाउ बैक टू द टॉपिक, साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 5, नॉस्टैल्जिया। जी, तो क्या आप नॉस्टैल्जिया के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपको किसी पुराने वक्त की, किसी गुजरे हुए टाइम की बहुत याद आती है और आपका दिल करता है कि आप वापस उसी वक्त में चले जाएं। लेकिन नॉस्टैल्जिया के बारे में एक कोट बड़ी मशहूर है, एंड दैट इज, नॉस्टैल्जिया इज अ लायर, नॉस्टैल्जिया एक झूठ है। जी हाँ, ये झूठ इसलिए होता है क्योंकि आप जब नॉस्टैल्जिक हो रहे होते हो, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होते हो, तो आपको उस वक्त ये लगता है कि वो गुजरा हुआ वक्त बहुत खूबसूरत था, बहुत कम मुश्किलें थी, वो पुराने लोग बड़े अच्छे थे, आप उस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए आप वहाँ जाना चाह रहे होते हो, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। गौर से और ध्यान से सोचो। मिसाल के तौर पे आपको अपना स्कूल, स्कूल का वक्त और उस वक्त के दोस्त बहुत याद आते हैं। आपको लगता है कि आप उस वक्त, उस टाइम में उन लोगों के साथ बहुत खुश थे, जबकि हकीकत में जब वो वक्त गुजर रहा था तो ना ही आप उस वक्त इतने खुश थे और ना ही वो दोस्त आपको इतनी खुशी देते थे। उस वक्त की खूबसूरती को याद करना बस एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, असल में उस वक्त में कोई ऐसी खूबसूरती नहीं थी। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 4, नोसीबो इफेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें अगर आपको किसी चीज के अच्छा होने पर, फायदेमंद होने पर पक्का बिलीफ है, पक्का यकीन है, तो वो आपके लिए असल में भी उतनी ही अच्छी और उतनी ही फायदेमंद साबित होगी। क्या आप जानते हैं कि उसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी मौजूद है, जिसे हम नोसीबो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें अगर आपको किसी चीज के बुरा होने पर, उसके नुकसानदेह होने पर यकीन है, पक्का बिलीफ है, तो वो चीज असल में भी आपके लिए उतनी ही खतरनाक और उतनी ही नुकसानदेह बन जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको इस बात पर बेहद यकीन है कि दूध पीने से आपको उल्टी आ जाएगी, जबकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन, कोई प्रूफ ना हो, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपके उस पुख्ता यकीन की वजह से, आपके इस चीज पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ होने की वजह से, आपको वाकई दूध पीते ही वॉमिटिंग आ जाएगी। इसलिए सयाने सयानी बात करते हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और अगर बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। अब ये सिर्फ एक बात नहीं रही, इस बात को अब साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है, प्लेसिबो और नोसीबो इफेक्ट की सूरत में। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 3, हाइपरथाइमेसिया। हाइपरथाइमेसिया एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, ये दुनिया भर के लोगों में सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को होती है। इस कंडीशन में मुब्तला इंसान को अपनी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, यानी खुद पर बीते हुए तमाम वाकयात, तमाम घटनाएं बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट क्लैरिटी और डिटेल के साथ याद होती हैं। मतलब अगर एक आम इंसान को पूछा जाए कि आपकी 8th क्लास की फेयरवेल पार्टी में कौन कौन आया था, तो शायद ये आपको थोड़ा बहुत याद हो, वो भी थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस फेयरवेल पार्टी में चीफ गेस्ट ने स्पीच में क्या क्या बोला था, या फिर आपका क्लोज फ्रेंड और आप उस पार्टी में कितनी बार हंसे थे और क्यों हंसे थे, आप दोनों ने आपस में क्या क्या बात की थी, तो क्या ये सब आपको याद होगा? अभी इस चीज के जवाब में कुछ लोग तो जहन में हंस के सोच रहे होंगे कि यार हमने परसों खाया क्या था, हमें ये याद नहीं होता, 10-12 साल पहले हुई बातें कैसे याद होंगी। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हाइपरथाइमेसिया की कंडीशन वाले लोगों को वो हर बात जो उनके साथ की गई, वो हर इमोशन जो उन्होंने फील किया, वो हर बंदा जो उन्होंने देखा, चाहे वो 10-12 साल पहले ही क्यों ना हो, इंतहाई डिटेल के साथ याद होता है। हाइपरथाइमेसिया का पहला डायग्नोसिस जिल प्राइस को मिला था, उनको 14 साल की उम्र से, यानी 5 फरवरी 1980 से लेकर हर गुजरा दिन मुकम्मल डिटेल के साथ याद था। मतलब 5 फरवरी को क्या हुआ था, वो कब उठी थी, किससे बात की थी, कौन उनके साथ था, इसी तरह 6 फरवरी 7th 8th 9th से लेकर टिल नाउ, अब तक, आज तक उनकी जिंदगी में गुजरा हुआ हर दिन उन्हें मुकम्मल डिटेल के साथ याद है। जिल प्राइस के बाद दुनिया में अभी तक 100 लोगों को ये डायग्नोसिस मिल चुका है जिन्हें ये रेयर कंडीशन है। इनमें एक एक्ट्रेस मैरालू हनर भी शामिल है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 2, डीजा रेवे। आपने डीजा वो के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें इंसान को कोई काम करते हुए या कुछ भी नया एक्सपीरियंस करते हुए ऐसा लगता है कि वो ये काम पहले भी कर चुका है, तो इसे डीजा वो कहते हैं और इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। और वो क्या है, इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन डीजा वो से मिलता जुलता एक और फिनोमेना भी है, जिसे हम डीजा रेवे कहते हैं। इसमें एक शख्स को कोई नया काम या नया एक्सपीरियंस करते हुए ऐसा महसूस होता है कि वो इस सब के बारे में पहले से ख्वाब देख चुका है, उसने अपने ड्रीम में, अपने हाँ में पहले ही ये सब देखा था। इस फिनोमेना को हम डीजा रेवे कहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 1,
सेवन सिंड्रोम। सेवन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें इंसान को किसी हादसे की वजह से, मिसाल के तौर पर किसी एक्सीडेंट, किसी स्ट्रोक या किसी ब्रेन इंजरी की वजह से एक खास किस्म की अबिलिटी मिल जाती है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल होती है और आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ कोई फाइन जीनियस ही कर सकता है। उसकी एक मिसाल किम पीक है। किम पीक के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम यानी एक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स जो कि दो ब्रेन की हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है, वो मिसिंग था, जिसकी वजह से उनके पास एक्सेप्शनल अबिलिटीज आ गई थी। वो हिस्ट्री, म्यूजिक, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, लिटरेचर और इस तरह के 15 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे। वो एक किताब के दो सफ़े एक ही वक्त में पढ़ने की अबिलिटी रखते थे। उनकी लेफ्ट आई लेफ्ट पेज और राइट आई राइट पेज एट द सेम टाइम रीड करने की अबिलिटीज रखती थी। उनको दो पेजेस को रीड और मुकम्मल मेमोराइज करने में सिर्फ 8 सेकंड लगते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 12,000 बुक्स मेमोराइज की थी, जिनमें एक बाइबल भी शामिल है। सेवन सिंड्रोम ना सिर्फ किसी ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, बल्कि इसके अलावा कोई और डिसऑर्डर भी, जैसे ऑटिज्म डिसऑर्डर भी सेवन सिंड्रोम काज कर सकता है। ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक सेवन अबिलिटीज हो सकती है। जी, तो अब देते हैं आज की क्यूरी का जवाब। व्हाट मेक अस मोर हैप्पियर, स्पेंडिंग मनी ऑन पोजेशंस और एक्सपीरियंसेस? एंड आंसर इज एक्सपीरियंस। अगर आप किसी ट्रिप पर, किसी दिलचस्प सफर पर या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर पैसे लगाते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो वो आपको ज्यादा खुशी देगा बजाय उन चीजों को खरीदने से जो आपकी मलकियत बन जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा से एक दफा नॉर्दर्न एरियाज देखना चाहते हैं या फिर आप हमेशा से एक आईफोन लेना चाहते हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप पर पैसे लगाने से आपको एक आईफोन लेने से ज्यादा और ज्यादा अरसे तक के लिए खुशी मिलेगी। जी, तो ये था आज का ज्ञान। मिलती हूँ मैं तुम लोगों को अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक प्यारो, रब दिया रखा।